स्टार मेकर पर बहुत सारे लोग कंडेंसर माइक्रोफोन के थ्रू गाते हैं और बहुत सारे लोग इसी कंडेंसर माइक्रोफोन के थ्रू बहुत अच्छा स्टार मेकर पर गाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में दो कंफ्यूजन हमेशा रहते हैं। पहला कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन सा कंडेंसर माइक्रोफोन उन्हें लेना चाहिए और दूसरा कंफ्यूजन ये रहता है कि कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ उन्हें क्या कनेक्ट करना चाहिए। तो आज हम इन्हीं दोनों सवालों के जवाब देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपका अपना चैनल कांसेन म्यूजिकल बाबा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आरके। अब स्टार मेकर के लिए पहला कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन सा कंडेंसर माइक्रोफोन हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए, स्टार मेकर के लिए सबसे बेस्ट जो माइक्रोफोन रहता है बजट वाइज वो रहता है BM-800 या फिर WR-800। इन कंडेंसर माइक्रोफोन की मैं रेंज की बात करूं तो ये आपको 1000 रुपए से लेके 2000 रुपए के बीच में आपको मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो सिर्फ अगर स्टार मेकर पर ही गाना है तो आपको इसी रेंज के कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करने चाहिए। लेकिन अगर आप होम में भी गाते हैं या कराओके ट्रैक पर अलग से गाते हैं और उसे अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी के माइक्स खरीदने चाहिए जो अलग अलग कंपनीज के आते हैं, जैसे कि माउनो के आते हैं, JBL का आता है, ऑडियो टेक्निका का आता है। इन माइक्रोफोन की रेंज होती है 2000 रुपए से लेके 10000 रुपए तक। और अगर आप इससे भी ज्यादा अच्छी रेंज में जाना चाहते हैं तो फिर आप रोड NT1 सीरीज में जा सकते हैं। रोड के माइक्रोफोन 20000 रुपए के आसपास उनकी रेंज शुरू होती है। तो इस तरीके से आप अपनी सिंगिंग के लिए किसी भी माइक्रोफोन का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टार मेकर पर ही गाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप BM-800 या WR-800 को ही ज्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि सबसे पहले तो ये बजट वाइज बहुत अच्छा है और दूसरी चीज ये है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि कंडेंसर माइक्रोफोन तो ले लिया, लेकिन अब इसके साथ फैंटम पावर लें, साउंड कार्ड लें, मिक्सर लें या फिर ऑडियो इंटरफेस लें, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो आज हम ये कंफ्यूजन भी मिटा देते हैं। मैं अब फैंटम पावर, साउंड कार्ड, मिक्सर और ऑडियो इंटरफेसेस की क्वालिटी का कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा कंपोनेंट अपने लिए खरीदना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकी क्वालिटीज की। तो क्वालिटीज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फैंटम पावर की क्वालिटीज। फैंटम पावर में फैंटम पावर यस बिल्कुल होती है। इसमें इनपुट की हम लोग बात करें तो इसमें आप एक माइक्रोफोन लगा सकते हैं। कंट्रोल्स की बात करें तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। इफेक्ट्स की बात करें तो फैंटम पावर में कोई इफेक्ट्स भी नहीं होते। आउटपुट की बात करें तो इसमें आप हेडफोन में, ईयरफोन में या स्पीकर में कोई भी आउटपुट नहीं ले सकते। पावर सप्लाई की बात करें तो इसमें पावर अडैप्टर लगता है। बेस्ट रहता है फैंटम पावर सिंगिंग के लिए। प्रीएम्स की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छे प्रीएम्स नहीं होते हैं। प्राइस की बात करें तो ये 1500 से लेके 2000 रुपीस की रेंज में आपको मिल जाएगा, चाहे मार्केट से ले लीजिए चाहे आप ऑनलाइन ले लीजिए। और पोर्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है, यानी कि आप इसे कहीं पर भी ले जाकर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं साउंड कार्ड की। साउंड कार्ड में बात करें तो फैंटम पावर साउंड कार्ड में नहीं होता है। इनपुट्स की बात करें तो इसमें आप दो माइक यूज कर सकते हैं, एक कंडेंसर माइक्रोफोन और एक डायनामिक माइक्रोफोन। कंट्रोल्स की बात करें तो इसमें वॉल्यूम और इको के कंट्रोल्स होते हैं जिससे आप इसे अप या डाउन कर सकते हैं। इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें एटमोस्फेरिक साउंड होते हैं, जैसे कि ताली बजाना, हंसना, इस तरीके के साउंड्स दे रखे होते हैं। आउटपुट की बात करें तो बिल्कुल आप इसका साउंड हेडफोन में या स्पीकर में आउटपुट के थ्रू ले सकते हैं। पावर सप्लाई की बात करें तो ये USB पावर सप्लाई पे चलता है। बेस्ट रहता है ये पॉडकास्ट के लिए, लाइव के लिए और सिंगिंग के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। प्रीएम्स की बात करें तो ज्यादा अच्छे प्रीएम्स इसके भी नहीं होते। रेट्स की बात करें तो ये आपको 1800 रुपए से लेके 2200 रुपए की रेंज में मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। पोर्टेबिलिटी इसकी बिल्कुल फैंटम पावर की तरह है, आप इसे कहीं भी ले जाकर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक मिक्सर की। मिक्सर की बात करें तो फैंटम पावर जी, उसमें फैंटम पावर होती है। इनपुट्स की बात करें तो उसमें आप दो कंडेंसर माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं, वो भी फैंटम पावर के साथ। कंट्रोल्स की बात करें तो यस, उसमें वॉल्यूम, इको और डिले के कंट्रोल्स होते हैं। इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें कोई अलग से इफेक्ट्स नहीं होता है। आउटपुट की बात करें तो उसका आउटपुट आप हेडफोन या स्पीकर से ले सकते हैं। पावर की बात करें तो वो भी पावर अडैप्टर से चलता है। बेस्ट रहता है सिंगिंग के लिए और लाइव के लिए। प्रीएम्स की बात करें तो उसके जो प्रीएम्स होते हैं वो थोड़े से लो होते हैं,
लेकिन अच्छे होते हैं। प्राइस की मैं बात करूं तो उसका प्राइस होता है 3,000 रुपए से लेके 5,500 रुपए तक आपको मिक्सर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो काफी पोर्टेबल होता है, आप उसे कहीं भी ले जाकर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑडियो इंटरफेस की। फैंटम पावर की बात करें तो ऑडियो इंटरफेस में फैंटम पावर होता है। इनपुट की बात करें तो उसमें आप दो माइक अटैच कर सकते हैं, पहला कंडेंसर और दूसरा डायनामिक। कंट्रोल्स की बात करें तो उसमें वॉल्यूम के कंट्रोल्स होते हैं। इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। आउटपुट की बात करें तो उसका आउटपुट आप हेडफोन या स्पीकर में ले सकते हैं। पावर सप्लाई की बात करें तो उसमें यूएसबी पावर सप्लाई होती है और ऑडियो इंटरफेस बेस्ट रहता है सिंगिंग के लिए और लाइव करने के लिए। प्रीएम्स की बात करें तो ऑडियो इंटरफेस में ही सबसे ज्यादा हाई प्रीएम्स होते हैं। प्राइस की बात करें तो उसका प्राइस रेंज होता है 4,000 रुपए से लेके 12,000 रुपए तक। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो काफी पोर्टेबल होता है, आप इसे कहीं भी ले जाकर यूज कर सकते हैं। अब आपने फैंटम पावर, साउंड कार्ड, मिक्सर और ऑडियो इंटरफेस की सारी क्वालिटीज देख ली हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी के साथ आता है और आपको बजट वाइज कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आप फैंटम पावर या साउंड कार्ड ले लीजिए, और अगर थोड़ा सा बजट है आपके पास तो आप मिक्सर या फिर ऑडियो इंटरफेस के लिए ट्राई करें। स्टार मेकर पर ये आपकी सिंगिंग को बहुत अच्छा कर देंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कंडेंसर माइक्रोफोन और कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ होने वाले फैंटम पावर, साउंड कार्ड, मिक्सर और ऑडियो इंटरफेस को आपको कैसे सेलेक्ट करना है। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन चारों में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल भी बजा दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।